हाय, दिस इज रुचि शाह, वेलकम टू द किचन निंजा। आज की जो डिश है वो है नटेला केक। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। आज मेरे चैनल को 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं, सो थैंक यू एवरीवन फॉर द लव एंड सपोर्ट। और इसी तरह से मेरी चैनल को लव और सपोर्ट देते रहिए, सो मैं और भी नई रेसिपीज आपके सामने लेके आऊँ। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। नटेला केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक का बैटर बनाएंगे। 150 ग्राम हम कंडेंस मिल्क लेंगे। इसमें अब हम 1/3 कप ऑयल ऐड करेंगे। मिक्स कर देंगे अच्छे से। अब इसमें हम एक छन्नी में 2 कप जितना मैदा ऐड करेंगे। 1/4 कप कोको पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 कप शुगर ऐड करेंगे, पाउडर शुगर। इसमें मैंने 1/4 स्पून बेकिंग सोडा और 1/3 स्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। अच्छे से इसे छान लेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाफ कप मिल्क ऐड करेंगे। केक बनाने के लिए बैटर हमारा रेडी है। अब मैंने यहाँ पे एक मोल्ड लिया है जिसे अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम बैटर को पोर करेंगे। अच्छे से टैप कर लेंगे। अब इसे हम बेक करेंगे। आप इसे प्री हीटेड पैन में भी 20-25 मिनट्स तक बेक कर सकते हो, या तो फिर आप इसे अवन में 180 डिग्री पे 20 मिनट्स तक बेक कर सकते हो। एक बोल में मैंने 1/2 कप मिल्क लिया है। 1 टेबलस्पून इंस्टेंट कॉफी ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बोल में मैंने 1/2 स्पून बटर लिया है। 1 टेबलस्पून जितना पानी ऐड करेंगे। 1/2 कप जितना हम नटेला ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स कर देंगे। एक बोल में मैंने व्हिप क्रीम लिया है। इसे अच्छे से बीट करेंगे हम। अब इसी में हम नटेला मिक्सचर जो हमने बनाया था वो ऐड करेंगे और फिर से इसे हम बीट करेंगे। क्रीम भी हमारा रेडी है। केक भी हमारी अच्छे से बेक हो चुकी है। अब इसे इस तरह से फ्लिक करेंगे हम। केक को थोड़ा ठंडा होने देंगे हम। केक भी हमारी ठंडी हो चुकी है और मैंने इसे डीमोल्ड कर लिया है। जो इंस्टेंट कॉफी वाला मिक्सचर हमने बनाया था वो अब हम इसमें पोर करेंगे। जो क्रीम हमने बनाया वो अब लगाएंगे हम। अब इसमें आप चाहो तो चॉकलेट सिरप भी ऐड कर सकते हो या तो नटेला भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पे नटेला ऐड कर रही हूँ।
नटेला केक हमारी रेडी है टू सर्व।